वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया आगे है। टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 296 रन की बढ़त बना ली। मानस लेबुसन और कैमरन ग्रीन नाबाद रहे। अब भी टीम की 6 विकेटें बाकी हैं। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेटें पर 130 रन बना लिए। लेबुसन 41 और ग्रीन 7 रन चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया पारी को आगे बढ़ाएंगे। आज मुकाबले में चौथा दिन का खेल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार लंदन में आज बारिश का आसार नहीं होगा, दिन भर धूप छाई रहेगी। तीसरा दिन का पहला सेशन भारतीय बैटर अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के नाम रहा है। दोनों ने शतकीय साझेदारी पर भारत को फॉलो ऑन के खतरे से बचाया। इस सेशन में भारत ने 1 विकेट खोकर 109 रन बनाए। रहाणे ने करियर का 26वां अर्धशतक और 5000 टेस्ट रन भी इसी सेशन में पूरे किए। वहीं ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज स्टॉक बोलैंड ने दिन की दूसरी बॉल पर विकेटकीपर बल्लेबाज शिखर भरत को बोल्ड कर दिया। भारत के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को 3 जीवन दान मिले। तीसरे दिन के दूसरे सेशन में कंगारुओं ने वापसी की है। 20.4 ओवर के इस सेशन में 69 रन बने और 5 विकेटें गिरी। इसमें भारत ने 46 रन बनाने में आखिरी 4 विकेटें गंवा दिए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 23 रन बनाने में 1 विकेट गंवाई। इस सेशन में भारत के टिके बल्लेबाज रहाणे, शार्दुल के अलावा शमी, उमेश आउट हुए। वहीं ऑस्ट्रेलियंस ने वार्नर का विकेट गंवाया।